खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी लाख मान मनोबल के बावजूद नहीं माने हैं अपने फैसले पर कायम है इस्तीफा देने के, और ऐसे में जल्द कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है और नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस स्थिति को कैसे देखते हैं, क्या नया अध्यक्ष कांग्रेस को मुसीबत से निकालेगा? मेरे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई। सर, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है? मेरे ख्याल से राहुल जी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। वो उनको सारे लोगों ने विनंती की कि आप रहिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं सोनिया जी को भी मिलाता हूँ, उनको बोला तो बोले नहीं, दूसरा कोई रहेगा तो क्या बिगड़ता है। राहुल जी क्या पार्टी से बाजू होने वाले हैं? वो तो नेतृत्व करेंगे ही। राहुल जी से भी बात हुई, हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब ने भी उनको कहा कि आप रहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल विरोध उसको किया। और उन्होंने हालांकि वो इस्तीफे की बात जरूर की है, लेकिन वो इनएक्टिव नहीं हुए हो गए हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उनकी मर्जी का कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, अध्यक्ष पद देखेगा, और वो पार्टी की पूरी पार्टी हिलाने का काम, कार्यकर्ताओं के साथ रहने का काम और स्ट्रगल करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उनकी एक इमेज है आज, और किसकी इमेज है ऐसा मैं मानता नहीं। ऑल इंडिया लेवल के लोगों को भी ऐसा लगता है, हमारे कोई पर अन्याय हुआ तो दौड़ने वाले खाली राहुल जी हैं, और ये विरोधी दल के जो लोग हैं दूसरे, वो भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी अगर जाएगी तो मैं डॉक्टर लोहिया जी और मधु लिमे जी के साथ एक ज़माने में था, वो पार्टी दो नंबर की पार्टी थी, खलास हो गई, बहुत हालात बुरी। कम्युनिस्ट पार्टी खलास होगी, अगर कांग्रेस पार्टी की ये हालत होगी तो अल्टरनेटिव नहीं रहेगा और ये देश गलत रास्ते पे जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो कांग्रेस बरकरार रहनी चाहिए और इसका नेतृत्व राहुल जी ने करना चाहिए, वो अध्यक्ष न रहने के बावजूद भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष नहीं रहेंगे राहुल गांधी तो उनकी भूमिका क्या होगी कांग्रेस पार्टी में? वो गाइड करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। वो जब अध्यक्ष नहीं थे तो भी काम करते ही थे। ऐसा एक बात ध्यान में रखना कि गांधी फैमिली जो है वो सीमेंटिंग फोर्स है कांग्रेस के लिए, और उनका कुछ वो ये बीजेपी वाले कुछ भी बोलने दो, ऑल इंडिया लेवल के पर छोटे छोटे आदमी को वो अपने लगते हैं, और जहां अन्याय वहां दौड़ने वाले वही लोग रहते हैं। ध्यान में रखिए, पूछ रहा हूं सर कि 21 सालों से गांधी परिवार, पिछले 21 सालों से गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रहा है, और अगर कोई नया अध्यक्ष बनता है गांधी परिवार के बाहर का तो वो 21 सालों के बाद ऐसा होगा। ऐसे में लोगों को यही कहीं ना कहीं आशंका है कि क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी किसी नए अध्यक्ष के अंदर, आपको क्या लगता है? वैसी रहेगी, बहुत दफा अलग अलग अध्यक्ष हो गए थे, ढेबर भाई थे, यूएन ढेबर साहब, दूसरे भी हो गए थे, ऐसी कोई बात नहीं कि वही गांधी घराने से ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गांधी घराना गाइड करते रहेगा। दो नाम जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, दोनों का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कनेक्शन, एक तो शिंदे साहब का नाम चल रहा है नए अध्यक्ष के तौर पे, और एक खड़गे साहब का नाम चल रहा है जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं, शिंदे साहब महाराष्ट्र के से आते हैं, आप हमें क्या बता सकते हैं? मेरे ख्याल से दोनों हमारे आदरणीय हैं, दोनों के मैं नजदीक हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। क्या इन दोनों में से कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है कांग्रेस का नया? मैं ये बोल नहीं सकता, लेकिन शिंदे साहब का नाम है, अभी क्या होता है मुझे मालूम नहीं। जल्द हो सकता है फैसला? हाँ, मेरे ख्याल से ये अभी जो कार्यकारिणी की मीटिंग होगी एग्जीक्यूटिव की, उसमें निर्णय हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक हफ्ते दो हफ्ते में वो मीटिंग हो जाएगी। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में आज से कुछ नेता अनशन शुरू कर रहे हैं, आप ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई अनशन कर रहा है, जब राहुल मान ही नहीं रहे तो ये सब करके क्या फायदा? नहीं नहीं, ऐसा है कि हर आदमी की ये ख्वाहिश है। मैं भी 24 जून को एक लेटर लिखा था कि आप रिजाइन मत करिए, मैं सोनिया जी को लेटर लिखा था कि आप उनको परमिशन मत दीजिए रिजाइन होने का। ये सबकी भावना है कि उन्होंने रहना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती करना मेरे ख्याल से गलत बात है। मैं वो जो देखा वो ऐसा, उनसे बात जो हुई वो अभी तैयार है ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो लीडरशिप कर रहे हैं, वो इनएक्टिव नहीं हो गए, वो क्या घर में नहीं बैठे, ही इज़ वेरी मच एक्टिव, सब लोगों को मिलते हैं, क्या क्या करते हैं, गाइड करते हैं,
क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, लोगों से राय लेते हैं क्या करना चाहिए इसका, दूसरे पार्टी के भी लोगों को। राहुल जी ने बताया सर कि अध्यक्ष ने की बजाय अगर जब वो बिना अध्यक्ष के नेतृत्व करेंगे कांग्रेस का, भूमिका क्या होगी और वो क्या करेंगे, क्या पदयात्रा वगैरह करेंगे देशभर में, कुछ बताया उन्होंने? नहीं नहीं ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन लोगों को लगता है ये ऐसा करेंगे। ठीक है, तो हुसैन दलवाई साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दो चीजें कंफर्म कर रहे हैं, एक तो ये कि राहुल गांधी पद पर अब बने नहीं रहेंगे क्योंकि राहुल तो नहीं चाहते हैं और सोनिया गांधी भी अब इस मसले में दखल देने को तैयार नहीं है और जल्द कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है। साथ ही राहुल भले ही पद पे ना रहें लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो आगे रहकर करते रहेंगे और देश के तमाम जो मुद्दे हैं उसको उठाते रहेंगे, ये कहना है हुसैन दलवाई साहब का। जाहिर सी बात है सबको इंतजार इसी बात का है कि कितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा और वो चेहरा कौन होगा। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली।